क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। विशाखापट्टनम के मैदान में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है और वो घड़ी आखिरकार आ ही गई जब रोहित शर्मा बतौर टेस्ट ओपनर मैदान में उतरे। लेकिन रोहित ने तो टेस्ट ओपनर बनते ही विरोधियों को ही पाठ पढ़ा दिया और मैच से ठीक पहले बॉल को ही बदलना पड़ा और बॉल बदली तो फिर रोहित ने वनडे स्टाइल में कर दी ताबड़तोड़ शुरुआत। तो कैसा रहा रोहित का बतौर टेस्ट ओपनर डेब्यू आपको दिखाते हैं। आप भी रोहित को लेकर कमेंट जरूर करें और हिटमैन के फैंस वीडियो को शेयर भी करें। तो वाइजैक के मैदान में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे ही कप्तान विराट कोहली ने बैटिंग की बात कही तो सारे फैंस खुश हो गए क्योंकि पहले ही दिन टेस्ट मैचों में रोहित शर्मा की बैटिंग आ गई थी और रोहित के साथ मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। अब रोहित और मयंक पिच तक पहुंचे तो अचानक रोहित शर्मा गेंदबाज फिलेंडर से कुछ कहने लगे। रोहित ने अफ्रीकी गेंदबाज फिलेंडर को इशारा करते हुए कुछ दिखाया और वहां पर अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज भी थे। रोहित के इशारे के तुरंत बाद फिलेंडर अंपायर के पास गए और बॉल को ही बदल दिया गया। जी हां, रोहित ने बॉल की शेप को लेकर आपत्ति जताई थी जिसके बाद मैच शुरू होने से ठीक पहले बॉल को बदला गया। अब पारी थी बैटिंग की तो पहले ओवर में स्ट्राइक पर मयंक अग्रवाल थे और मयंक ने यहां फिलेंडर के ओवर में एक चौका मारा। अब दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा के सामने थे रोहित शर्मा। बतौर टेस्ट ओपनर रोहित शर्मा ने दूसरे ही बॉल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। बिल्कुल वनडे वाले अंदाज में रोहित ने पॉइंट की तरफ शॉट मारा और बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री की तरफ गई और चौका हो गया। यानी रोहित ने यहीं पर अपने इरादे जता दिए कि वो टेस्ट में बतौर ओपनर क्या करने वाले हैं। तो रोहित के टेस्ट ओपनिंग डेब्यू पर आपका क्या कहना है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।